हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, इंडिया एक्सपेंडिंग सेंसरशिप रिजाइम क्रिएटिंग अनइवन प्लेइंग फील्ड, ऐसा स्टडी बता रही है। देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाय फ्रीडम हाउस, अ वॉशिंगटन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम हैज डिक्लाइन फॉर 13th कंसेक्यूटिव ईयर। द इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स ऑनलाइन हैज डिटेरियोरेटेड इन 29 कंट्रीज, विथ ओनली 20 कंट्रीज रजिस्टरिंग नेट गेन्स। द रिपोर्ट टाइटल फ्रीडम ऑन नेट 2023, मतलब यहाँ पे इंटरनेट की फ्रीडम की बात हो रही है, इंटरनेट फ्रीडम की बात हो रही है। द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रेज्ड द रेड फ्लैग ऑन द इंक्रीजिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय गवर्नमेंट्स फॉर सेंसरिंग सेंसरशिप एंड स्प्रेड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। द रिपोर्ट ऑफ 13th एडिशन ऑफ द एनुअल स्टडी ऑफ ह्यूमन राइट ऑनलाइन कवर्स डेवलपमेंटल डेवलपमेंट्स बिटवीन जून 2022 एंड मे 2023। तो आप देखिए, इस बीच का एक साल का है। विथ इट इवेल्युएट्स इंटरनेट फ्रीडम इन 70 कंट्रीज, 70 कंट्रीज में यहाँ पे फ्रीडम ये इवेल्युएट कर रहे हैं। एज पर द रिपोर्ट, द शार्पेस्ट राइज इन डिजिटल रिप्रेशन वॉज विटनेस्ड इन ईरान, वेयर अथॉरिटीज शट डाउन इंटरनेट सर्विसेज, ब्लॉक्ड व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, एंड इंक्रीज सर्वेलेंस इन बिट टू क्वेल एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। China for the ninth straight year was ranked as the world's worst environment for internet freedom, with Myanmar the world's second most repressive for online freedom. People faced legal repercussion for expressing themselves online in record 55 countries this year, and the number of countries where authorities carry out widespread arrest and impose multi-year prison terms online activity has risen sharply over the past decade from 18 in 2014 to 31 in 2022. देखिए आप यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। द रिपोर्ट हैज डिटेल्ड हाउ इलेक्शंस वर ऑल्सो ट्रिगर्ड फॉर डिजिटल रिप्रेशन। अहेड ऑफ इलेक्शन पीरियड मेनी इनकम्बेंट लीडर्स क्रिमिनलाइज ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्पीच, ब्लॉक एक्सेस टू इंडिपेंडेंट न्यूज साइट, एंड इम्पोज अदर कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेवी बैलेटिंग इन देयर फेवर। तो ये इलेक्शन में अपने फेवर में भी यूज़ कर लेते हैं इंटरनेट को, ये लोग, यही बोला जा रहा है। अब देखिए, डिजिटल रिप्रेशन क्या है। डिटेलिंग AI इनेबल्ड डिजिटल रिप्रेशन इन इंडिया, द रिपोर्ट सेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज द हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी हैव इनकॉर्पोरेटेड सेंसरशिप इंक्लूडिंग द यूज ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम्स इन टू द कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क। द इंफॉर्मेशन सिस्टम intermediary guideline and digital media ethics code rule require large social media platform to use AI based moderation tool for broadly defined types of content such as speech that could undermine public order, decency, morality or the country's sovereignty, integrity and security, or content that official had previously ordered removed. तो ये आप देखिए, इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। citing the government's order to YouTube and Twitter, now X, to restrict access within India at BBC documentary about the communal violence during the Mr. Modi's tenure as Chief Minister of the State of Gujarat, the report stated. Because the government ordered the restriction of the documentary, the IT rule required the two platform to use automated scanning tool to sweep up any additional post that share the film, warming the adverse repercussion the Indian democracy. The report noted, as the country prepares for general election 2024, the government expanding censorship regime is creating an uneven playing field by silencing criticism of the independent reporting on ruling party. तो मतलब यही चीज, इसको रिपोर्ट को वो लोग साइलेंट कर दे रहे हैं कई सारे, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने नहीं दे रहे, ये बोला जा रहा है। द रिपोर्ट इवेल्युएट्स कंट्री ऑन 5 सेंसरशिप मेथड, इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, blocks on social media platform, block on website, block on VPN and forced removal of content, and India engaged in all of them except VPN blocking. India also figured almost the list of countries that block websites hosting political, social or religious content, deliberately disrupted ICT network, used pro-government commentaries to manipulate online discussions and conducted technical attacks against the government critiques or human rights organization on a range of 1 to 100, where 100 represented the highest digital freedom. India scored 50, while Iceland with 94 at the best internet freedom.
तो देख लेते हैं हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखिए, ये सबसे पहले रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या है, फ्रीडम ऑफ द नेट, फ्रीडम ऑफ द नेट रिपोर्ट है 2023 का। अब देखिए कौन किया है ये रिपोर्ट, आप देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉशिंगटन का है, उसका नाम क्या है, फ्रीडम हाउस। ये क्या है, बाय फ्रीडम हाउस ये रिपोर्ट है। अब देखिए इंडिया यहाँ पे स्कोर है 50, आइसलैंड 94, यूके 79, जर्मनी 77, यूएस 76। तो आप यहाँ पे ये सारे टॉप 5 देख सकते हैं। इंडिया देख सकते हैं, इंडिया 50 पर है, ठीक है। ब्राज़ील, श्रीलंका इंडिया से ऊपर है 50 to 64 लेकर, और पाकिस्तान सबसे नीचे में 26 नंबर के साथ। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिफिशियल, किधर गया आपका, 70 कंट्रीज़ यहाँ पे इन्होंने इनरोल किया था, ठीक है, 70 कंट्रीज़ को इन्होंने टोटली इनरोल किया था। चाइना जो है आपका 9th स्ट्रेट ईयर वर्ल्ड का वर्स्ट इन्वायरमेंट फॉर इंटरनेट फ्रीडम, और म्यांमार जो है वो सेकेंड मोस्ट रिप्रेसिव ऑनलाइन फ्रीडम। मतलब चाइना, म्यांमार और पाकिस्तान भी था इस लिस्ट में, अभी मेरे को दिख नहीं रहा है। कभी कभी क्या होता है, आप किसी चीज़ को खोज रहे होते हैं वो मिल नहीं रहा होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए ना, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, हो सकता है वो चीज़ फिर कभी आपको मिल जाए। ये था छोटा सा, छोटा ज्ञान, ये था मेरा छोटा ज्ञान। छोटा ज्ञान हमेशा ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, पाकिस्तान हम यहाँ पे देख लिए ना, पाकिस्तान यहाँ पर, इधर क्या देख रहे हैं हमें, पाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार हम देख लेते हैं। पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, ये सारे वर्स्ट डूइंग कंपनी है, कंट्रीज है। और इंडिया का स्कोर आप देखिए 50 है। टॉप पर आयरलैंड, यूके, जर्मनी, यूएस है, इतना हमें बस पता होना चाहिए। इसका ये देख लेते हैं डिजिटल रिप्रेशन कहाँ पे यूज होता है, ये आपके क्या कहते हैं, इलेक्शंस में यूज होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सप्रेस कर देती है, ये मोदी का जो बीबीसी वाला डॉक्यूमेंट्री था उसको हम नहीं देख सकते, पहली बात। एक सेकंड में, मतलब अब यहाँ पे फिर वही ना, मेरे को कोई बोलेगा कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा गलत नहीं होता है। अब देखो ये बीबीसी है, तो भाई तुमको क्या जरूरत है अपना हमारे ऊपर कमेंट्री बनाने की, डॉक्यूमेंट्री बनाने की। तुम चलो, एक मैं तुमको टॉपिक दे रहा हूँ, तुम उसको बनाओ ना, कैसे इंग्लैंड ने यहाँ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेकर गया इंडिया से, कैसे लंदन इंडिया के पैसे से बना। तो एक सेकंड, अब हो ही जाए, मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो एक बार कोई भाई बीबीसी का एंकर देख लो यार तुम लोग, और तुम मुझे एक बार बताओ कि ये सब छोड़ो, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यही होता है, गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए इंसान को, ऐसा काम करो कि सामने वाला गुस्सा ना हो। तो देखो पहला टॉपिक, टॉपिक फॉर बीबीसी, मैं बीबीसी को कुछ टॉपिक देता हूँ। हाउ यूके लूटेड इंडिया, ठीक है। हाउ लंदन वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड स्टेब्लिश्ड ऑन इंडियंस मनी एंड वर्क, ये दो टॉपिक मैंने दिया है, प्लीज इसके ऊपर। बीबीसी, हेलो बीबीसी वालों, बड़े बीबीसी, समझ रहे हो, बड़े बीसी, बड़े बीबीसी, बीबीसी वालों, ये टॉपिक है, टॉपिक फॉर यू गाइस, प्लीज इस पे बनाओ, टॉपिक फॉर बीबीसी, इस पे प्लीज बनाओ। अच्छा, हिंदी भी तो समझ नहीं आएगी बेवकूफों को, ये रहा, प्लीज मेक डॉक्यूमेंट्री ऑन दीज टू टॉपिक्स। चलो ये तो हो गया, गुस्सा मैंने निकाल लिया। अब दूसरा, अब जहाँ तक बात आ रही है, ये जो मोदी जी ने करा नहीं करा करवाया, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना कि उन्होंने करवाया, तो हम भी नहीं मानेंगे। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को, अगर हम मुस्लिम और हिंदू लड़ेंगे ना, फायदा सिर्फ एक का, नुकसान सिर्फ एक का होगा, इंडिया का,
और फायदा पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का होगा। ये लोगों को समझ नहीं आता यार, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, नुकसान अपना होना है। मैं कह रहा हूँ तुमको लड़ना है ना पाकिस्तान से लड़ो, तुमको लड़ना है ना तुम जाओ चाइना से लड़ो। अब अभी नया नया टॉपिक मिल गया तुम लोग को, मालदीव्स में जाओ लड़ो। आपस में मत लड़ो यार, आपस में ग्रो करो। उधर बाद आजू बाजू कम है क्या लड़ने को, उधर जाओ लड़ो ना तुम, और बीबीसी से लड़ो। देखो चलो, थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।